वो पूरे राज्य में घूम रहा है, हर जगह जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोगों से जुड़ने को कह रहा है, अपने अपने किस्म के खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ने को कह रहा है। वो भिंडरांवाले को अपना आदर्श बनाता है, फिर भी अभी तक न्याय की पहुंच से दूर है वो। ये कहानी है नए खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की। चलते हैं पंजाब के मोगा का रोडे गांव। दुनिया इसे पंजाब के उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले के गांव से भी जानती है। वही भिंडरांवाले जिसने 1980 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग उठाते हुए पूरे पंजाब में कोहराम मचा दिया था। इसी गांव में भिंडरांवाले की स्मृति में बना एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा संत खालसा। गुरुद्वारे के पास एक मंच बना है और मंच के सामने शामियाना तना हुआ है। मंच पर एक 29 साल का नौजवान खड़ा है, सामने भीड़ है। नौजवान की अभी अभी दस्तार बंदी की गई है, यानी उसे सिखों वाली पगड़ी बांधने की जो रस्म है वो निभाई गई है। सिर पर तुलनात्मक रूप से एक भारी भरकम पहने हुए बांधे हुए ये नौजवान वहाँ झुटी हुई भीड़ से मुखातब है, कह रहा है, भिंडरांवाले मेरी प्रेरणा हैं, मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलूंगा, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि यह ऐसा हर एक सिख चाहता है, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं उतार रहा, मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, मैं पंथ की आज़ादी चाहता हूं, मेरे खून का हर एक कतरा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गाँव से शुरू हुई थी, भविष्य की जंग भी इसी गाँव से शुरू होगी। हम सभी अब भी दास हैं, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना होगा। खून, पानी, पंथ की आज़ादी, हमारी दासता, ये सारे कीवर्ड किसी डायलॉग में 3-4 दशक पुराने कालखंड में नहीं बल्कि इधर ही बीच सुनाई दे रहे थे। तारीख थी 29 सितंबर 2022 की। पंजाब के पानी और पंजाब के पंथ, दो ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर इस नौजवान को भीड़ खड़ी होकर सुन रही थी। कौन था ये व्यक्ति? अचानक कहां से प्रकट हो गया और कैसे उसका नाम रातों रात मीडिया में छा गया? जब पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की राजनीति की जा रही है, ऐसे समय में कौन है ये नौजवान जो सिखों से कह रहा है कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा? सबसे ज़रूरी सवाल ये कि UAPA राजद्रोह लगाने और वीज़ा कैंसिल करने वाली कार्रवाइयाँ जो हैं जब आम हो, तो कैसे एक नया नवेला सा बंदा पंजाब में खुलेआम घूम रहा है? उस पर कोई केस क्यों नहीं हो रहा है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये बंदा? शुरुआत में टीज कर दिया था हमने नाम, अमृतपाल सिंह। उम्र 29 साल। अमृतपाल सिंह ने एक संगठन की बागडोर संभाली है। इस संगठन का नाम है वारिस पंजाब दे। वारिस पंजाब दे की कहानी जाकर जुड़ती है दीप सिद्धू से, अभिनेता और एक्टिविस्ट संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू, जो 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर खबरों में आए थे, और 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई। अपनी मौत से 6 महीने पहले यानी सितंबर 2021 में दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम के संगठन की नींव रखी थी। ये वो समय था जब पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और आम आदमी पार्टी खरामा खरामा जीत की ओर बढ़ रही थी। दिल्ली में किसान मार्च के दौरान जब लाल किले पर सिद्धू ने सिख पंथ का झंडा फहराया था, तो किसान संगठनों ने उनसे दूरी बना ली थी। शायद यही वजह थी कि सिद्धू को अलग संगठन बनाना पड़ा था। इन सबसे पहले दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिल्मी एक्टर सनी देओल के सहयोगी भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर पहले ही वायरल हो चुकी थी। अब वारिस पंजाब दे की नींव रखते हुए दीप सिद्धू ने ऐलान किया था कि ये संगठन पंजाब के युवाओं को एकजुट करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दीप सिद्धू ने तब इस संगठन को एक प्रेशर ग्रुप बताया था और कहा था कि ये पंजाब के अधिकार और पंजाब की संस्कृति का बचाव करेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दे उठाएगा, साथ ही दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ आवाज भी उठाएगा। जानकारों ने
इसे दिल्ली की तानाशाही का अपने अपने तरीकों से पाठ किया। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि शुरुआत में इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर जिस तेजी से नौजवानों का इसकी ओर झुकाव होने लगा उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज वगैरह बने, वहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ आने लगी। तो क्या ये दिल्ली की तानाशाही जैसे जुमले का कमाल था? पंजाब के एक पत्रकार हमसे बातचीत में नाम न छापने की शर्त पर हमसे कहते हैं कि पंजाब में हमेशा से एक रिक्त स्थान मौजूद रहा है। राजनीतिक रूप से इस रिक्त स्थान को अकाली दल और कांग्रेस ने भरने की कोशिश की, अब आम आदमी पार्टी वही काम कर रही है। दीप सिद्धू मूसेवाला या ये अमृतपाल सिंह जैसा कोई भी बंदा आकर तलखी से बोल देता है तो एक बार उसका बेस बनने लगता है, लोग जुड़ने लगते हैं। बहरहाल दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे के प्रमुख का पद खाली था, लेकिन वारिस पंजाब दे खबरों में बना हुआ था। हर साल 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है, तो जब साल 2022 में ब्लू स्टार की बरसी आई तो प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए और इस बार वारिस पंजाब दे का भी मार्च निकलने वालों में से था। तो खबरें बताती हैं कि दूसरे संगठनों की संलिप्तता देखते हुए पंजाब पुलिस ने व्यवस्था भी चाक चौबंद कर रखी थी। वापस चलते हैं रोडे गांव। अब जब अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी भिंडरा वाले के रोडे गांव में की गई तो सवाल उठने लाजमी थे। भिंडरा वाले जैसे भेष धरे अमृतपाल सिंह स्टेज से कह रहा था कि दीप सिद्धू जैसे लोग मरते नहीं हैं। उसने इशारों ही इशारों में सिद्धू की मौत के कारणों पर शक जाहिर करते हुए कहा कि दीप सिद्धू एक कौमी शहीद थे, गुरु की सेवा में लगे लोग एक्सीडेंट में नहीं मरते हैं, हमें पता है कि उनकी मौत कैसे हुई और उन्हें किसने मारा। अमृतपाल सिंह का सच क्या है? अचानक प्रकट हुए अमृतपाल सिंह के बारे में बहुत जानकारियां नहीं थी। खोजने पर पता चला कि अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव के रहने वाला है ये। पढ़ाई कक्षा 12 तक की और खालिस्तान भिंडरावाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान इंटरनेट की बदौलत हासिल किया। अब तक वो दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था, पर दुबई से काम समेट के वापस आ गया है। यहाँ पर ये बात भी क्लियर करना जरूरी है कि अमृतपाल सिंह कुल 6 साल के अंतराल के बाद सितंबर 2022 में भारत आया है। वो न किसान आंदोलन के समय आया, न सितंबर 2021 में वारिस पंजाब दे की घोषणा के समय आया और न ही फरवरी 2022 में जब दीप सिद्धू की मौत हुई। ऐसा उसने खुद न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में कहा था। वो अमृतपाल सिंह के सोशल मीडिया को खंगालें तो कहानी और साफ होती है और दूसरी जरूरी जानकारियाँ सामने आती हैं। वीडियो की तैयारी तक अमृतपाल की सबसे ट्विटर पोस्ट थी उनका प्रोफाइल इमेज, जिसमें उसने भिंडरा वाले जैसा भेष बनाया था और गोद में है एक बच्चा। कुछ पीछे चलते हैं उनकी टाइमलाइन पे। 4 अगस्त को अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया है, लगभग 1.5 मिनट के इस वीडियो को अब तक 5,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में अमृतपाल सिंह को कहते सुना जा सकता है कि क्या तिरंगा हमारा झंडा है, हमारा यानी सिखों का? तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। अगर हमारा झंडा होता तो दरबार साहब पे हमला करके सिखों के झंडे को उतारकर तिरंगा क्यों लहराया गया? सिखों के ऊपर हमले किए गए, सिखों का कत्लेआम किया गया। हम इस झंडे ने हमारे ऊपर बेइंतहा जुल्म किए, हमारे 9 जवानों को मार दिया गया। 15 अगस्त को जिस तरीके से सरकार ने लोगों को लाखों तिरंगे भेजे, वैसे ही हम लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने घर के ऊपर निशान साहब लगाएं। ये अमृतपाल सिंह के शब्द। इसके पहले 1 अगस्त को चलते हैं, एक पोस्ट में अमृतपाल सिंह ने कहा कि एक फोटो लगा के, इसमें एक फोटो में बाएं तरफ स्वर्ण मंदिर है, वहां पे दरबार साहिब की फोटो है साल 1984 की, जिसने शिखर पर तिरंगा झंडा फहराता दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ है साल 2021 की लाल किले की फोटो जिस पर खालसा ध्वज फहराता दिखाई दे रहा है। साथ ही अमृतपाल सिंह ने फोटो लगाते हुए लिखा है, साल 1947 में हमारे लोगों के कत्लेआम और विस्थापन का जश्न हमें नहीं मनाना चाहिए था। यह इंडिया में हिंदुओं की आज़ादी थी और मुसलमानों की पाकिस्तान में, लेकिन ये सिखों के लिए एक दास्ता की शुरुआत थी। हम उनकी हिम्मत का जश्न मनाएंगे जिन्होंने भारत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। पीछे चलते हैं 25 जून को किए ट्वीट में अमृतपाल सिंह ने सिद्धू मूसेवाले का उस समय जो गाना आया था SYL, इसको यूट्यूब ने हटा दिया था, उसका जिक्र करते हुए लिखा कि भारत को हमें हमारी आज़ादी देनी होगी वरना हम खुद से ले लेंगे। भारत ने सन 1947 से हम पर जुल्म किया है, हम भारत के खिलाफ हैं। इसके एक दिन पहले यानी 24 जून को उसने लिखा कि अगर तथ्यों से भरे एक गाने SYL से पंजाब का दूसरे राज्यों के साथ संबंध खराब होता है तो संबंध खराब हो जाने चाहिए।
इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं जो और विवादित लगती हैं। ऐसी एक पोस्ट है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की फोटो है और उनके चेहरे पर ऐसे निशान बनाए गए हैं मानो गोलियां दागी गई हैं। एक पोस्ट में लिखा है कि पंजाब को खालिस्तान चाहिए। एक और जहां पे ये लिखा गया है कि हमें भारतीय न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं है। मौके मौके पर अमृतपाल सिंह ने ट्विटर स्पेस, क्लब हाउस और दी सिख न्यूज़ नाम के टेलीग्राम ट्विटर आधारित संगठन की चीज़ें पोस्ट की हैं। कई कई संगठनों, कई कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से भी संवाद है जहाँ पर उनको क्रिटिसाइज़ किया है। वामपंथियों को भी कई कई जगह कोसा है और इन बातों पर धीरे धीरे लोगों का बढ़ता समर्थन भी साफ दिखता है। आप अमृतपाल सिंह का समर्थक कौन है? ऐसे में अमृतपाल सिंह ने खुद के लिए एक समर्थन का बेस तैयार किया है। मीडिया चैनलों में उसके इंटरव्यू चलने लगे हैं, प्रोफाइलें लिखी जाने लगी हैं, एक इंटरनेट प्रेजेंस बनने लगी है और समर्थन की आवाज भी दिखने लगी है। संगरूर से सांसद और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने भी रोडे गांव में अमृतपाल सिंह के कार्यक्रम में शिरकत की थी। राजनीति में आने से पहले मान एक IPS अफसर थे, पर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर जेल से ही उन्होंने 1989 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन उन्होंने जिद की थी कि संसद में तभी प्रवेश करेंगे जब उन्हें तलवार अंदर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति नहीं मिली और उन्होंने विरोध में लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। मान ने कई मौकों पर खालिस्तान का समर्थन किया है और 2022 के लोकसभा उपचुनाव में जब उन्हें फिर से जीत मिली तो उन्होंने घोषित तौर पर इसे भिंडरावाले को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान की मांग उठाना कहीं से गलत नहीं है, भिंडरावाले का समर्थन करना भी कहीं से गलत नहीं है, खालिस्तान की नींव पड़ के रहेगी। इस आशय के बातें उन्होंने मीडिया से की और इसके साथ ही इस फुसफुसाहट को, इस खुसर फुसर को भी बल मिलने लगा कि अमृतपाल सिंह के पीछे संगरूर के सांसद के भी लोग लगे हुए हैं। बहरहाल अमृतपाल के नाम से बने फेसबुक पेज पे लाइक बढ़ रहे हैं, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर उसकी तारीफों में सैकड़ों कमेंट आसानी से मिल जाएंगे। ट्विटर के हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया है और ये सब किसी क्लोज नेटवर्क में नहीं हो रहा है, खुलेआम सबके सामने। पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार हमसे कहते हैं कि पंजाब में ऐसे लोगों को समर्थन हाल के दिनों में बहुत मिलने लगा है, ऐसी आवाजें खुलेआम उठने लगी हैं, ये नया नॉर्मल है। इसके लिए क्या करना कुछ नहीं है, बस आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार और पंजाब के पानी, सतलुज यमुना लिंक SYL जैसे संवेदनशील मुद्दों को छेड़ते रहना है। फिर लोगों का चंभा होता है कि जब सब इतना डरावना है और अब लोग इतना संभल कर बोल रहे हैं तो इतना उग्र होकर बोलने वाला बंदा तो जरूर कोई साहसी इंसान है। इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में चलती लगती हैं, लोग उसके पीछे लग जाते हैं और अमृतपाल जैसे लोग उन्हीं संवेदनशील मुद्दों को कुरेदते रहते हैं। हमने इंडियन एक्सप्रेस में लंबे समय जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह से बात की। जगतार सिंह ने पंजाब की मिलिटेंसी लंबे समय तक कवर की है और उनकी किताब रिवर्स ऑन फायर चर्चा के केंद्र में रही है। जगतार सिंह कहते हैं कि पंजाब की जो चोट है उसका कोई इलाज नहीं निकला और इस चोट से ही अमृतपाल सिंह जैसे लोग निकलते हैं। सिखों का एक संगठन है जो 1981 की तरह गुस्से में तो नहीं है लेकिन उसके साथ उसके मन में रोष जरूर है। वो लोग ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं। पंजाब में इस समय की स्थिति बहुत चिंताजनक है। खुला कैसे घूम रहा है अमृतपाल सिंह? अमृतपाल सिंह ने सितंबर 2022 की शुरुआत में भारत में कदम रखा था, दुबई से पहले बताया, और जब वो आया तब से वो यहीं घुमाना हुआ है। कई लोगों को इस पर आश्चर्य हो रहा है कि उसे कैसे खुलेआम खालिस्तान और अलगाव की बात करने की छूट दी जा रही है, जबकि 25 अगस्त 2022 को एक अमरीकी सिख पत्रकार अंगद सिंह को सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे से ही बैरंग लौटा दिया था। अंगद सिंह वाइस न्यूज की तरफ से भारत में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस अमरीका भेज दिया गया। पंजाब के जानकार एक और पत्रकार इसी मुद्दे पे हमसे बात करते हुए कहते हैं कि ये मानने में कठिनाई होती है कि पंजाब पुलिस, पंजाब की खुफिया एजेंसी या केंद्र की एजेंसियों को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? सवाल है कि अमृतपाल सिंह के पीछे कौन है? ये इन दिनों पंजाब में पूछे जा रहे कुछ सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसको लेकर चल रही है कुछ हाइपोथेसिस। जैसे एक हाइपोथेसिस ये है कि किसी शातिर मंजे हुए खालिस्तानी ने अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी है। एक हाइपोथेसिस ये है कि क्या अमृतपाल सिंह के इस प्राकट्य के पीछे ISI या किसी दूसरे सीमा पार संगठनों का तो हाथ नहीं है। और एक हाइपोथेसिस ये भी है कि क्या अमृतपाल सिंह कोई राजनीतिक रूप से प्लांटेड व्यक्ति है जिसका आगे आने वाले समय में चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा।
पत्रकार जगतार सिंह हमसे कहते हैं कि उसका हर एक कदम स्क्रिप्टेड लग रहा है और इसकी प्रशंसा वो लोग सबसे अधिक कर रहे हैं जो साल 1987-88 तक कुछ उग्रवादी नेताओं के सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। ये बड़ी बात है, लेकिन इसी समय सवाल ये भी बना हुआ है कि अमृतपाल सिंह का जुड़ाव वारिस पंजाब से कैसे हो गया। दीप सिद्धू के परिवार का कहना है कि अमृतपाल सिंह का उनसे कोई नाता नहीं है। दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि हम उससे पहले कभी नहीं मिले, नहीं दीप मिला था। दीप की उससे पहले एक आध दफा फोन पे बात हुई थी, लेकिन उसे बाद में ब्लॉक कर दिया था। हमें नहीं पता चला कि उसने अपने आप को कैसे मेरे भाई के संगठन का मुखिया घोषित कर दिया। वो समाज विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता नहीं कहां से मेरे भाई के सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस मिल गया और वो वहां चीजें पोस्ट करने लगा। परिवार से और दीप सिद्धू से ना मिलने की बात तो अमृतपाल सिंह अपने इंटरव्यू में भी स्वीकार करता है, लेकिन वो साथ में बार बार ये भी कहता है कि पंथ का दास है और दीप सिद्धू के ही रास्ते पर भी आगे चलेगा। इस मामले में अब सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन और तमाम चीज़ें, तमाम जो एजेंसीज हैं, जो तंत्र है, वो कहाँ है, वो क्या कह रहा है। इस मामले को लेकर हमने पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों, कुछ एक मंत्रियों से संपर्क किया, सवाल किए, मैसेज भेजे। इस वीडियो की तैयारी तक कोई जवाब सामने नहीं आएगा। जवाब आने पर हम अपने और अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। कुछ एक एक्शंस पता चलते हैं। ट्विटर का हैंडल बंद होना, कुछ दिनों पहले उन्हें हाउस अरेस्ट करना अमृतपाल सिंह को, लेकिन अगले ही दिन हरियाणा जाने के लिए छोड़ देना। अमृतसर में एक शूटिंग होती है, जो शूटर पकड़ा जाता है, कथित शूटर पकड़ा जाता है, शूटर का नाम वारिस पंजाब दे से जुड़ा होना। और इसी बीच एक खबर ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क रहें। अमृतपाल पर उठे सवालों को लेकर हमने अमृतपाल सिंह की टीम से संपर्क किया तो जवाब मिला कि अभी उन्हें थकान है, लेकिन कुछ दिनों में बात जरूर करेंगे, बात होगी तो वो भी पहुंचा देंगे आप तक। लेकिन इन्हीं सब के बीच अमृतपाल सिंह का एक और बड़ा बयान है जो स्टोरी ख़त्म होते होते कौंधता है। जो दस्तारबंदी हो रही थी रोडे में, वहाँ पर 15 सूत्री प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें कहा गया कि सिखों के मुद्दे में कोई भी दखल नहीं दे सकता। इस मुद्दे पर अमृतपाल सिंह ने कहा था, विदेश भागने के बजाय यहाँ के युवाओं को पंजाब में रुक कर पंजाब की आज़ादी के लिए जंग लड़ना होगा। इसको ऐसे भी सुन सकते हैं कि 2022 के एक दिन चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर दूर रोडे गांव में दिन दहाड़े पंजाब की आज़ादी के जंग का ऐलान किया गया।